मन में बात लिए बैठी रहेगी बेबे, माफी नहीं दे सकती, डांट तो ले कम से कम। बड़े नसीबों वालों का इसमें हिस्सा होता है, दुनिया भर के प्यार से मिठा मां का गुस्सा होता है। प्यार पे हक रहा हो या ना रहा हो, डांट पर हक कभी भी है बेबे। मैंने दुखी होकर अपनी आंखें फेरी थी, मुंह नहीं फेरा था। मैनू पता है तुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है, लेकिन तेरी इस गलती की सजा तेरी बेटी भुगत रही है। तेरे बीते हुए कल का साया तेरे आने वाले कल पर मत पड़ने दे सिखा। उन्हें लवली ने दसिया तेरी बात हुई ना उससे। हम दोनों मानते बेबे इस बात को कि अब हमारे इन झगड़ों का, इन लड़ाइयों का असर हमारा पे नहीं पड़ने देना। अब वो देख लिया उस बच्ची ने अपनी, और तेनू पता है लवली ने कहा कि हम सारे कल, पूरा परिवार कल जाएंगे सारे बाहर, आप, मैं, भाई साहब, भाभी सब। पहले हमारे के साथ हम पिक्चर देखेंगे, फिर हम साथ में के डिनर करेंगे साथ में। बहुत बढ़िया सोचा है। कितना अच्छा लगेगा ना मायरा को, उसको ऐसा लगेगा कि हम सब है उसके लिए, उसके अपने। ये बहू ने कहा? हाँ, उससे का आइडिया है। वो तेरे नाल गल करना चाहती थी, पर उन्हें लगा कि तूने बात डाल देनी है। कर रही है बेबे, कोशिश कर रही है। पहले नहीं किया उसने, लेकिन अब तेरे सिखाए रास्ते पर चल रही है। अब मैं भी बेबे, हम दोनों एक एक कदम बढ़ा रहे हैं दूसरे की तरफ। अगर उसे ऐसा लगता है कि हमारे आने से उसका परिवार एक हो जाएगा तो हम जरूर चलेंगे तेरे साथ। लवली तू पागल हो गई है, सिकंदर से झूठ बोल के तू उस रोशन कुमार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी? अरे इतनी बड़ी बेवकूफी करेगी तू? टैग को तो नहीं लगता कि ये बेवकूफी है, वो तो बल्कि मेरी हेल्प भी कर रहे हो, और आप हमेशा की तरह थाने क्या कर रहे हो? लवली, ये जो तेरी शादी है ना, आज जो इतने सारे प्रॉब्लम में है, वो भी तेरे डैड के हेल्प का ही नतीजा है। कम से कम अब तो अपने प्रॉब्लम्स मत बढ़ा, अगर किसी को पता चला तो। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने सब हैंडल कर लिया है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। मैंने सिकंदर से कहा है कि हम सब कल मूवी और डिनर के लिए जा रहे हैं, उससे बस ऐसा लगना चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ उसकी फैमिली के लिए कर रही हूँ। जब हम कल निकल रहे होंगे, मैं कोई लास्ट मिनट बहाना बनाकर अमायरा के साथ पीछे रुक जाऊंगी। सिंपल। लवली, क्यूटी, मम अकेले झूठ नहीं बोल रही, मुझसे भी बुलवा रही है, मुझे डाड़ा के सामने लाए लाए पेंसा फायर नहीं बनना चाहती। अमायरा, आपको कोई झूठा नहीं कहेगा, और ये जो भी मैं कर रही हूँ आप ही के लिए तो कर रही हूँ, आपके फ्यूचर के लिए अमायरा। और अगर कल आप सुपरस्टार बन गए, आपको लगता है आपके डाड़ा खुश नहीं होंगे? पर कॉन्ट्रैक्ट तो गाने का है, और गाना तो कोई और सिंग कर रहा है, वो तो मेरी आवाज ही नहीं है, मैं खुद सिंग करना चाहती हूँ। मेरी आवाज में क्या प्रॉब्लम है? वो अमायरा, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी वेरी गुड, बट इट्स जस्ट दैट आपकी आवाज अब तक परफेक्ट नहीं है, इसलिए आपको आपके डाडा बोलते रहते ना कि रिहर्सल करो, प्रैक्टिस, रियाज करो, तो परफेक्ट होने में टाइम लगेगा, और हमारे पास टाइम ही तो नहीं है बेबी, क्योंकि मूवी तो अभी बन रही है। बस एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाए, फिर आप सुपरस्टार बन जाओगे। अमायरा, आप सुपरस्टार बनना चाहते हो ना, तो वेरी गुड, ये लो, इस गाने के बोल अच्छे से याद करो, कल एक भी वर्ड रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ओके डार्लिंग? ओए लवली, अगर सिकंदर को पता चला कि उसकी बेटी, उसकी खुद की बेटी किसी और के आवाज पर होंठ चला रही है, तो बहुत बड़ा हंगामा होगा,
और ये बात तेरी शादी पर बना सकती है। मम, क्यूटी क्या बोल रही है? कुछ नहीं कह रही क्यूटी मेरी, कुछ नहीं कह रही। मम आप मेरी बेटी को डराना बंद करेंगी प्लीज? ये नेगेटिव बातें करना बंद कीजिए प्लीज। और रही बात सिकंदर की, का सिकंदर को कुछ नहीं पता चलेगा मॉम, उसका भी यही सपना है कि हमारा सुपरस्टार बने। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो 10,000 घंटों तक इंतजार कर सकता है और मैं नहीं कर सकती। तो मॉम लेकिन ये आवाज है किसकी? हाँ लवली, किसे गाना गवाया तुमने? क्योंकि सवाल पूछना बंद करेंगे प्लीज। मैंने कहा ना एवरीथिंग इज हैंडल्ड, सब प्लान्ड है हमारा प्लीज। फर्क नहीं पड़ता कि आवाज किसकी है, किसने गाया है। फर्क सिर्फ इतना पड़ता है कि कल रोशन कुमार को लगना चाहिए कि आवाज सिकंदर सिंह गिल की बेटी की है। आप लोग प्लीज अपना अपना काम, अपना अपना पार्ट याद रखिए, ओके? अमायरा, ये भी आप समझ गए ना आपको क्या करना है? अरे पी तो रहा हूँ, लेकिन तू मुझे इतना खाना क्यों खिला रहा है? क्योंकि मेरी माँ कहती थी किसी का उधार नहीं रखना चाहिए, और जब हम मामी के घर में रहते थे तो घर का काम करके उनका उधार चुकाते थे। तुमने मुझे रोटी उधार दी थी ना, इसलिए मैं तुम्हें ये खाना खिला के उधार चुका रही हूँ। हाँ। और तुमने बोला था डराने वाले नानू, जब 10 दिन बाद ट्रेन स्टेशन पे आएगी तो उसमें मेरे मामा जरूर होंगे, मैं बिना किसी चिंता के जा पाऊंगा। इतना अच्छा खाना तो मैंने कब से नहीं खाया। जो मजा उंगलियां चाट चाट के अचार खाने में, वो दोनों तुमने कहा सही बात। वो खाना अच्छा था, लेकिन उससे पेट वाले चूहे जी खुश नहीं होते, इसलिए मैंने प्यारी जी से कह दिया कि अंग्रेजी खाने से पेट भर सकता है, पर मन नहीं। लेकिन तुमने लवली मैडम पे ऐसा कौन सा जादू चला दिया कि वो इतनी बदल गई? ये जादू नहीं है डराने वाले नानू, प्रार्थना है। जब मैं गड्ढे में ही रहा था तो मैंने माता रानी से प्रार्थना की थी, ये उसी का फल है। नहीं नहीं नहीं, फल नहीं, आलू पूरी है। प्रार्थना में शक्ति होती है मुझे पता है, लेकिन इतनी भी नहीं कि पल में सब बदल जाए। देखो कुल्फी बेटा, तू मुझसे कोई बात छुपा रहा है। आप तो बड़े चतुर हो नानू, छुपा तो रहा हूँ पर मजबूरी है। वो मेरी और प्यारी जी के आपस की बात है। आपस की बात? कौन सी बात है? तो बड़े चतुर नानू, छुपा तो रहा हूँ पर मजबूरी है। वो मेरी और प्यारी जी के आपस की बात है। आपस की बात? कौन सी बात है? कुल्फी, चलो लवली मैडम ने बुलाया, कोई पोटली ढूंढनी है। मेरी पोटली? मेरी माँ की पोटली? माफ करना देवता, माफ करना। अरे चलो चलो, जल्दी से जाओ और कुल्फी की पोटली ढूंढो, शायद म्यूजिक रूम में होगी। ओके क्विकली। कैसी पोटली मैडम जी? मेरी पोटली, मेरी माँ की पोटली, हरे रंग की छोटी सी गोल मटोल। हाँ हाँ, कुछ याद तो आया। और बता, और बता। बिल्कुल हल्की है, भारी नहीं है। उसमें मेरी माँ की चुनरी है और एक लॉकेट है और एक किताब है। याद आया, वो पोटली। हाँ। वो पोटली तो साहब को मिली थी। चलो हम सिकंदर जी से जाके पूछते हैं। और उन्होंने मुझे दे दी थी। तो जाकर ले आओ। नहीं ला सकता। क्यों? वो गायब हो गई। ओ लवली, अरे वो उस लड़के की घिसी पिटी पोटली के लिए तुम सारे नौकरों को क्यों दड़ा रही हो? गायब कैसे हो गई? वो हुआ यूं कि और पुटली गायब हो गई। मतलब छू मत, पर वो मेरी माँ की पोटली थी, उसमें माँ का सामान था, मेरे पास सिर्फ वही बची थी। डराने वाले नानू, आज शाम मुझे स्टेशन ले जाएंगे, अब मैं मामा को क्या दिखाऊंगा?